जय जसु प्रभु येसु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर और एक बार आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। 38वां दिन है बाइबल तीर्थ यात्रा की। 4 अध्याय पढ़ने के लिए प्रभु सौंपा है। विश्वास करता हूं कि आप सब बराबर पढ़ते आ रहे हैं और वचन की व्याख्या सुन रहे हैं, पवित्र वचन पर मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रियजनों, 25 और 26 अध्याय निर्गमन ग्रंथ के पहली बार प्रभु एक पवित्र स्थान अपने लिए बनवा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। इसराइलियों की आराधना और उनके पूरे आध्यात्मिकता का एक नया भाव, नया रूप आ रहे हैं। उनकी आराधना में एक नया मोड आ रहे हैं। एक शुरुआत है। बाद में जितने भी मंदिर बनाए गए वो सब उसकी शुरुआत यहां पर है। आज हमारे जितने चर्च है वो सब यहां से पहली बार। तो ये महान कार्य की शुरुआत में प्रभु ने क्या कहा, ये बात जरा समझने की बात है। क्योंकि जिस प्रभु मिस्र देश की गुलामी से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए महान 10 चमत्कार वहां पर करे थे और बीच में लाल सागर को 2 भाग में बांट के रास्ता तैयार करके अपने लोगों को लेके आए थे, पीने के लिए चट्टान से पानी दिलवाया था, जब भूखे थे अब खाने के लिए आसमान से, स्वर्ग से, स्वर्ग की रोटी मन्ना बराबर खिला रहे हैं। ऐसा प्रभु जब अपने लिए एक घर बनाने की बात बताया तब सबसे पहले क्या कहा, प्रभु ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कहो कि वह मेरे लिए चंदा ले आए। प्रियजनों, देने वाला प्रभु का स्वभाव, सब कुछ हमारे लिए प्रबंध करने वाला प्रभु जब आध्यात्मिक जीवन में एक नए मोड पे इसराइलियों को लेके आ रहे हैं और एक घर प्रभु के लिए बनाने की बात बोले, तब पहली बार बताया तुम चंदा दे दो, जो कुछ तुम्हारे पास है लेके आओ। भले ही तुम मरुभूमि में, भले ही अभी भी प्रवासी है, अपने घर नहीं पहुंचा, सेटल नहीं हुआ, ज्यादा आपके पास नहीं है, सब गरीब है, हम जानते हैं, प्रभु जानते हैं, उसके बावजूद प्रभु ने कहा लेके आओ, चंदा लेके आओ। और क्या क्या लेके आना था? प्रभु ने कहा सोना, चांदी, कांसा, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा छाल्टी, बकरी के बाल, मेढ़ों की सींची हुई खाले और सूस की खाले, बबूल की लकड़ी, दीपक के लिए तेल, अभ्यंजन के तेल, सुगंधित लोबान के लिए मसाले। प्रभु को देने में कंजूसी नहीं करना, सबसे अच्छी चीज जो आपके पास है देना, प्रभु सिखाया। संदेश क्या है प्रियजनों? आध्यात्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण खंभा है प्रभु के लिए देना। क्योंकि आध्यात्मिकता, लोग गलत सोचते हैं आध्यात्मिकता के बारे में कि प्रार्थना और आध्यात्मिकता क्या के लिए है, कुछ पाने के लिए है, नहीं है। प्रियजनों, आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी बात देने में है, सौंपने में है, अपने को, अपने पास जो कुछ है उसको पूर्ण रूप से समर्पित करना ही आध्यात्मिकता की पहली बात है, मुख्य बात है। इस बात को सिखाने के लिए प्रभु लोगों से चंदा स्वीकार कर रहे हैं। हम प्रेरित चरित्र में अध्याय 20 वचन 35 में प्रभु येसु के शब्द, सुसमाचार के बाहर येसु के मुंह से निकले हुए शब्द पहली बार हम पढ़ते हैं। वहां पर यह प्रभु ने कहा, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है, लेने की अपेक्षा
देना अधिक सुखद है। और हम लोग लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 में 38वां वचन में प्रभु ने कहा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, इसलिए दो तुम्हें दिया जाएगा। प्रियजनों, प्रभु के कार्यों में कंजूसी नहीं करना, देने में कंजूसी नहीं करना। जितना हम देते हैं उसके अनुसार केवल हम पाते हैं। इसलिए पहली बात हमें दिल में रखना है कि हे प्रभु के कार्यों के लिए देने के लिए हमेशा तत्पर रहे। हालेलुया। आगे इस दो अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, निर्माण कार्य की छोटी छोटी बातों को भी प्रभु प्रकट कर रहे हैं। क्या करना है, उसका नाप कितना है, लंबाई चौड़ाई क्या होगा, किससे, कौन से लकड़ी से बनाना है या सोना से बनानी है, किस तरह बनाना है, हर एक चीज प्रभु प्रकट कर रहे हैं। मंजूषा कैसे बनाना है, वो जो और भेंट की रोटियों के लिए मेज कैसे तैयार करनी है, दीप वृक्ष कैसे होना, निवास स्थान की कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, सारी बातें प्रभु प्रकट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लंबे लंबे चौड़े विस्तृत वर्णन हम लोगों को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा इससे जुड़ी हुई। तो हम लोग सोचने लगेंगे यह सब क्या है, इतनी ये चौड़ाई से विस्तृत रूप से प्रभु इसकी सब व्याख्या करता है, इसका मतलब क्या है, हमको इससे क्या लाभ है। प्रियजनों, ये सब पुराने विधान की ये सेरेमोनियल लॉस यानी आराधना और आध्यात्मिक कार्य से जुड़ी हुई जितने भी नियम बलि और आराधना से जुड़ी हुई जितने भी नियम है वो सब कहां की ओर हमको लेकर जाते हैं, प्रभु ईसा मसीहा के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर है। येसु के बलिदान जो सच्चा पास्का का मेमना है, ईश्वर का बलित मेमना, उसकी बलि के साथ साथ पुराने विधान की सारी बलियां पूर्णता तक पहुंचे येसु में, और तब से ये सारे नियम आराधना से जुड़ी हुई जितने भी नियम पुराने विधान में है वो सब पूर्ण हो गया येसु में। अब सच्चे आराधकों को आत्मा एवं सच्चाई में आराधना करने की बातें येसु की लहू की योग्यता द्वारा पवित्र आत्मा हमको सिखाई है। हल्लेलुया। इसलिए हमें इन नियमों की अब जरूरत नहीं है, वो हमारे ऊपर लागू नहीं है, पर ये नियमों के पीछे जब प्रभु नियम दे रहा था कैसे बनाना है, क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, एक एक चीज सिखाया, उसके पीछे एक संदेश है, एक आत्मा है, एक स्पिरिट है। वो क्या है, वो क्या है, वो यह है ईश्वर के कार्यों में कितनी जागरूकता होनी चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए, लापरवाही नहीं करना, किसी न किसी रीति से आराधना करके प्रभु को प्रसन्न करेंगे ये सोच मन में नहीं रखना, आराधना के लिए किसी न किसी रीति से कभी भी जाके यूं ही कुछ करके काम चलाएंगे नहीं, प्रभु के कार्यों में एक विशेष ऑर्डर जो बोलता है उसकी जरूरत है। वो क्या है, उसको समझना है तो कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 वचन 40 और उस पर लिखा है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 वचन 40 में इस तरह हम पढ़ते हैं, आराधना से जुड़ी हुई प्रार्थना से जुड़ी हुई बातों को समझाते समय संत पौलुस कहता है, सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से किए या जाए, डू एवरीथिंग डिसेंटली एंड इन ऑर्डर, सब कुछ को करने में एक ऑर्डर चाहिए। हालेलुया। इसको समझने के लिए सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 3 से, सूक्ति ग्रंथ, प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, हमारी आराधना और प्रार्थना से जुड़ी हुई बातों में प्रभु क्या चाहता है, नियम का यूं ही कुछ कुछ करना काफी नहीं है, उसमें प्यार और ईमानदारी, ये दोनों चीजें सिखाने के लिए ही प्रभु इतना नियम दिया है।
किसी ने इसी रीति से करना काफी नहीं। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उसे अपने गले पे बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित करो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र, कृपा का बर्तन, कृपा का पात्र बनोगे। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पे निर्भर मत रहो, सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो, बुराई से दूर रहो, इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य, तुम्हारे हड्डियों को नव जीवन मिलेगा। प्रियजनों यही बात है, ईश्वर के कार्यों में हमेशा उत्साह और जागरूकता और ईमानदारी। हालेलुया, जो कुछ करेंगे अच्छा से करेंगे, प्रभु के लिए कुछ करेंगे बढ़िया करेंगे, देंगे कुछ बढ़िया देंगे। प्रार्थना भले ही 10 मिनट करेगा, अच्छा करना। हालेलुया, समय प्रभु के लिए देगा, बढ़िया समय देना, ये प्रभु हमसे मांगते हैं। वो छोटी सी बातों पे हमसे ईमानदारी चाहता और कहता, जो छोटी बातों में ईमानदार रहेगा उनको बड़ी बातें सौंप दी जाएगी। हालेलुया, अय्यूब के 38 और 39वां अध्याय में प्रभु के मुंह से कुछ प्रश्न अय्यूब सुन रहे हैं। प्रियजनों अय्यूब के प्रश्न के उत्तर के रूप में जब प्रभु प्रश्न कुछ पूछेंगे, कुछ बातें पूछेंगे, उसमें हम अगर पढ़कर देखेंगे तो अय्यूब की ये परेशानी के पीछे क्या है कारण सीधा प्रभु नहीं बोलते, क्यों इनको सहना पड़ रहे हैं, धार्मिक होने के बावजूद इनको कितना सहना क्यों पड़ रहा है, प्रभु उत्तर सीधा नहीं बोल रहे हैं। बल्कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य और अपनी प्रज्ञा जो समस्त दुनिया में व्याप्त है और सभी सृष्ट वस्तुओं में प्रकट होती है, उसकी व्याख्या प्रभु करते हैं और उनको समझाना चाहते हैं। देखिए, प्रभु सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और उनकी प्रज्ञा पूरे भूमि में, पूरे पृथ्वी पर व्याप्त है। हालेलुया, लेकिन वास्तव में अय्यूब के पुस्तक से हमको क्या शिक्षा मिलते हैं और अय्यूब के इस सहन से और इनके ये दुख भोग से हमको क्या शिक्षा मिलते हैं, वो पूरा सीधा हमको प्रभु के इन शब्दों में प्रकट नहीं होती है, लेकिन जरूर प्रभु कुछ बताना चाहते हैं। हम ध्यान से इंतजार करेंगे। हालेलुया, मार्कुस के सुसमाचार के 10वां अध्याय के शुरुआत में प्रभु विवाह की रिश्ता जो है उसकी पवित्रता के बारे में सिखाते हैं और प्रभु ये बताते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री पति पत्नी की रिश्ता में बदलते हैं और वे दोनों एक हो जाते हैं। ये ईश्वर का विधान है, ईश्वर ने ही बनाया है। सो मैरिज इज ए सेक्रेड इंस्टीट्यूशन बाय गॉड। ये समाज का नियम के हिसाब से केवल नहीं है, ये केवल काम चलाऊ एक रीति नहीं है, ये या समय के अनुसार फैशन के अनुसार बदलने वाली चीज नहीं है, लेकिन सृष्टि के पहले शुरुआत में ही ईश्वर ने इसे निर्धारित किया है। इसलिए ईश्वर ने जिसे जोड़ा मनुष्य अलग नहीं करे, प्रभु ने कहा। आज विश्वभर में अनेक जगहों में मनुष्य ये इसके स्वभाव को यानी विवाह के स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है। हालेलुया, आपको समझ में आ रहे, पुरुष पुरुष में शादी हो सकता है, स्त्री स्त्री में शादी हो सकता है, इस तरह के काफी चीजें लेके आते हैं, लेकिन प्रभु हमें समझाते हैं जिसे ईश्वर ने जोड़ा मनुष्य अलग नहीं करे। जिसकी स्थापना ईश्वर ने किया, चाहे दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संगठन हो, कोई भी या क्या है कोर्ट हो, कुछ भी अगर इसके खिलाफ कोशिश करे, प्रभु इसके लिए मंजूरी नहीं देता। प्रभु ने यह स्थापित किया है पुरुष और स्त्री के बीच में, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में पवित्र रिश्ता ईश्वर जोड़ता है, तब वो पति पत्नी बनते हुए एक हो जाते हैं, उस पर प्रभु का आशीर्वाद रहता है। हालेलुया, आगे इस पति पत्नी के जीवन में प्रभु आशीर्वाद स्वरूप संतानों को भेजते हैं। आगे हम बच्चों को आशीर्वाद के बारे में, प्रभु बच्चों को अपने पास बुलाया, कुछ लोग रोकता था और प्रभु थोड़ा सा प्रसन्न हुए और उन्हें डांटा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको।
एक आध्यात्मिक संदेश इस पे है कि बच्चों को आने से रोकना नहीं। कई पति पत्नियां बच्चों को रोक लेते हैं, बच्चा नहीं चाहिए। आज के एक बहुत बड़ी विपत्ति है, अनेक परिवार बर्बाद होने के पीछे कारण क्या है? जिन बच्चों को प्रभु परिवार में देना चाहता है उनको रोक रखा है। बच्चों को जो भी रोकेगा डांट खाएगा। यीशु ने कहा एक शिशु को, एक बच्चे को मेरे नाम पे स्वागत करेंगे, स्वीकार करेंगे, मेरा ही स्वागत होता है। एक बच्चा जो है लाइफ है, जीवन है, प्रभु है। मतलब प्रभु की उपस्थिति को, आशीर्वाद को संतान लेके आता है। इसलिए संतान प्रभु का पारितोषिक है, वचन कहता है। इसलिए संतानों को स्वीकार करने से रोकना नहीं है। आने वाले दिनों में इसके विषय में और शिक्षा प्रभु आपको देंगे। हल्लेलुया। आगे हम एक धनी युवक को देखते हैं। वो दौड़ते हुए आया, घुटने टेक पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ईसा ने उनसे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं, यह तो हमें बहुत प्रॉब्लम में डाल देगा। यीशु ने क्या बोला है वो कारण, जब यीशु ऐसा बोला है, अरे मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ के और कोई भला नहीं है, इसका मतलब क्या प्रभु ये बोल रहे हैं? मुझे भला नहीं बोलना, केवल ईश्वर को बोलना, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं। ये कैसा होगा? हमको घबराने वाली एक चीज हो गया। प्रियजनों, इसका उत्तर वो नहीं है। इसका उत्तर क्या है? इसका संदेश क्या है? प्रभु क्यों उनको बोला, मुझे भला क्यों कहते हो? उसके पहले ध्यान से सुनना, इसने प्रभु को क्या बुलाया? भले गुरु, गुड टीचर। इसने, ये व्यक्ति ने यीशु में क्या देखा? एक टीचर को देखा, एक गुरु केवल देखा, अनेक गुरुओं में केवल एक गुरु। यीशु क्या केवल गुरु है? यीशु प्रभु है, वो ईश्वर है। हालेलुया। उसने यीशु में केवल एक गुरु को देखा और बोलता है आप अच्छे हो। मतलब थोड़ा सा क्या है, ये करता है, तारीफ कर रहे हैं। प्रभु उनको पूछ रहे हैं, तुम मुझे भला क्यों कहते हो? मतलब मुझ में क्या देखकर भला कहा? मेरे अंदर तुमने प्रभु को या ईश्वर को देखा, या केवल एक मनुष्य को देखकर भला कहते हो? केवल एक ही भला है, वो प्रभु ईश्वर है। मुझ में प्रभु को देखने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए प्रभु उस बेटे की सहायता कर रहा था, क्योंकि प्रभु को देख के उनको भला कहना था। भले प्रभु बोल सकता था, लेकिन गुरु केवल बोला। यीशु केवल गुरु नहीं है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, वो हमारा प्रभु है। हल्लेलुया। और इसने कहा मुझे अनंत जीवन पाना है, इसलिए प्रभु ने कहा आज्ञाओं का पालन करो। लेकिन इसने कहा मैं बचपन से आज्ञा का पालन करता हूं। तब क्या किया? यीशु ने ध्यानपूर्वक उसे देखा, उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। यीशु के हृदय में इस व्यक्ति को देख के प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि ये आज्ञा का पालन करने वाला एक युवक है। यीशु ने प्रेम से उनको देखा और कहा, क्या कहा? तुम में एक कमी है। क्या है उसकी कमी? सारे कहना मानता है, सारा आदेश का पालन करके आया है, उसमें कमी क्या है? जाओ अपना सब कुछ बेच के गरीबों को दे दो, स्वर्ग में पूंजी होगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। तो उसकी कमी क्या है? कमी यह है, पैसा ज्यादा है। जो इनके पास दुनिया की दृष्टि में ज्यादा है, प्रभु की दृष्टि में कमी है। पैसा ज्यादा होना पाप नहीं है, लेकिन पैसे के प्रति प्यार होना पाप है। प्रभु ने इसके हृदय में एक चीज देखा, भले ही नियम का सब पालन करता है, नाम के वास्ते पूरा नियम का पालन करता है, लेकिन उसके पीछे का सबसे बड़ी बात जो है, उसकी आत्मा जो है वो नहीं है। मतलब नियम के पीछे कौन सी आत्मा है? मतलब प्रभु के प्रति प्यार। हर एक नियम जो प्रभु दिया,
प्रेम और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करना, प्यार, वो प्यार कहीं खत्म हो गया। प्यार कहाँ हो गया? पैसे पे आ गया। वचन कहता है जो इस संसार की चीजों से प्यार करता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है, याकूब अध्याय 4:4। और संत योहन हमें बताते हैं उनका पहला पत्र दिया 2:15 में, ना तो संसार को प्यार करो ना संसार की चीजों को, जो संसार को प्यार करता उसमें ईश्वर का प्रेम नहीं है। प्रियजनों, पैसा के प्रति जो प्यार इसमें आ गया, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ हो जाता है। भले ही वो कहना पूरा मानता है लेकिन इसका हृदय प्रभु से दूर था, इसलिए हृदय को देखने वाला, हृदय को परखने वाला कहा बेटा एक बात की कमी है, सब बेचो गरीबों को दे दो और मेरे पीछे हो लो, मेरे पास आ जाओ। और वचन में क्या लिखा है, वो उसका चेहरा उतर गया, बहुत दुखी होकर चला गया, उदास होकर चला गया। ये बहुत घबराने वाली बात है, प्रभु के पास से वो उदास होकर चला गया। प्रियजनों, प्रभु के पास से उदास होकर जाने वाले बहुत कम है। एक जैसे प्रभु के कब्जे से निकल गया था उसका नाम यूदस है, उनका क्या हुआ? पैसा के प्रति लालच। और ये बैठा, आज भी अनेक लोगों को प्रभु के पास से दूर करने वाला, चेहरा को उदास कर देने वाला चीज का नाम है धन के प्रति लालच। भले ही वो कहना पूरा मानता होगा, भले ही वो नियम का पालन करता होगा, गिरजा जाता होगा, दान भी देता होगा, सब कुछ करता होगा, लेकिन पहला पसंद पैसा खतरा है। प्रियजनों, इसलिए पैसे के ऊपर प्रभु के जो अधिकार को हम स्वीकार करेंगे और सबसे ऊपर प्रभु को हम प्रतिष्ठित करेंगे। इसलिए हमारे हृदय में यदि किसी प्रकार का लालच हो, धन से जुड़ी हुई कोई भी जरूरत से ज्यादा लगाव हो, यह सब वचन की योग्यता से हमसे चले जाए। हल्लेलुया। आध्यात्मिक जीवन में परित्याग, रिनन्सिएशन, त्याग, उसकी कितनी बड़ी विशेषता है, जरूरत है, प्रभु हमको आगे सिखाते हैं। निर्धनता, स्वैच्छिक निर्धनता, मतलब प्रभु के प्रति सब कुछ को त्यागना, मतलब प्रभु को सबसे बड़ी संपत्ति मानना, प्रभु में आनंद मनाना, पैसे पे नहीं। ऐसे लोगों के लिए कितने आशीर्वाद इस दुनिया में आएंगे और आनंद जीवन भी मिलेंगे, प्रभु सिखा रहे, समझा रहे। और साथ साथ प्रभु ने दुख भोग की, अपने होने वाले दुख भोग की भविष्यवाणी तीसरी बार उनको दिया, लेकिन शिष्य लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए तुरंत हम देखते हैं जबदी के दो पुत्र है याकूब और योहन आकर प्रभु से क्या सिफारिश कर रहे हैं, आप जब अपने राज की महिमा में आएंगे हम दोनों को ऐसे पास पास में बिठाना, एक को दाए एक के बाए। देखिए, इतने समझाने पर भी उनके मन अभी भी दुनिया की चीजों में है। उन लोग क्या सोचता है, प्रभु यरूशलेम में प्रवेश कर वहां पर अधिकार हासिल करेगा, तब हम लोगों को भी मंत्री बनाएंगे, अधिकार हम लोग भी पाएंगे सोचकर। तब प्रभु ने क्या पूछा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे। ये प्याला क्या है? दुख भोग की प्याला है। हल्लेलुया। और जो बपतिस्मा की बात जो प्रभु बोल रहे हैं वो क्या है? अपनी मृत्यु है। हल्लेलुया। प्रियजनों, दुख भोग एवं मृत्यु के लिए जब प्रभु तैयार होकर निकल रहे हैं, तब भी शिष्य लोगों का मन और हृदय वो सब दुनिया की चीजों में है। शायद हम भी संग संग चलता होगा, फिर भी हमारा ध्यान चंगाई पे और पैसे पे, नौकरी पे, घर पे सब लगी हुई होंगी शायद। प्रभु हमको उनसे हटा के उसके साथ, उनके हृदय के साथ एक रिश्ता, ईश्वर के राज्य के साथ हमारी एक रिश्ता जुड़वाना चाहते हैं। प्रियजनों, ये वचन जो भी हम लोग सुन रहे हैं वो वचन हमारी आंखें खोल सके, जिससे हम देख सके, जैसे रिखो के वो अंधा, वो चाहा प्रभु मुझे देखना है, प्रभु उनकी आंखें खोलने दिया, खोल दिया, खुल जाने दिया, हमारे भी आंखें खुल जाए जिससे हम सच्चाई देख सके, वास्तविकता को देख सके, ईश्वरीय राज्य के रहस्यों को देख सके। हमारे प्रभु ईसा मसीह, कृपा ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य
आप सभी लोगों के साथ बनी रहे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।